आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम मॉडल को स्टडी करेंगे। सिस्टम मॉडल क्या होता है? प्रीवियस जो हमने लेक्चर था उसमें हमने डेडलॉक के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने डेडलॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। तो बेसिकली डेडलॉक की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। तो आज हम फर्दर मज़ीद डेडलॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम मॉडल को स्टडी करेंगे। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस। सो सिस्टम जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज में मुश्तमिल होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो ऐसे डिवाइड किया जाए कंप्यूटिंग प्रोसेस के अंदर के हर एक की जो है रिक्वायरमेंट या जो नीड है उसको फुलफिल किया जाए और सिस्टम जो है वो डेडलॉक सिचुएशन भी उसमें क्रिएट ना हो। बेसिकली डेडलॉक जो है वो एक सिचुएशन है जहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और हर प्रोसेस जो है उसने कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हैं और उसने रिक्वेस्ट की हुई है और वेट कर रहा है फॉर अदर रिसोर्सेज जो कि किसी और प्रोसेस ने जो है होल्ड किया हुआ है। और दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्रोसेस जो है दे आर मल्टीपल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग और दे आर कम्पीटिंग टू अक्योर द रिसोर्सेज, यानी कि अपने टास्क और एग्जीक्यूशन को कम्प्लीट करने के लिए दीज प्रोसेस आर कम्पीटिंग टू ईच अदर और अपने जो है वो रिसोर्सेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। द रिसोर्सेज जो है उनको द रिसोर्सेज मे बी पार्टीशन इनटू सेवरल टाइप्स और क्लासेस, ईच कंसिस्ट ऑफ सम नंबर ऑफ आइडेंटिकल इंस्टेंसेस। तो रिसोर्सेज जो हैं वो उनको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट टाइप्स में या क्लास उनको उनकी क्लासेस बना दी जाती हैं वो जिनमें हो सकता है कि एक क्लास या टाइप के अंदर एक से ज़्यादा इंस्टांसिस ऑफ रिसोर्सेज भी मौजूद हों। तो इंस्टांसिस क्या होती हैं ये अभी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें और जो है क्लियर हो जाएगा कि व्हाट मीन बाय द आइडेंटिकल इंस्टांसिस। सो बेसिकली जो है रिसोर्सेज दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जो है ग्रुप्स या क्लासेस में उनको ग्रुपिंग कर दी जाती है। सीपीयू साइकल्स, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, डीवीडी आर एग्जांपल ऑफ रिसोर्स टाइप्स। तो ये कुछ एग्जांपल थी जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज को हमने उनको उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है जिसमें सीपीयू साइकल्स कह सकते हैं, फाइल्स कह सकते हैं, आईओ डिवाइसेस कह सकते हैं। तो कुछ हमारे पास लॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ हमारे पास फिज़िकल रिसोर्सेज होती हैं। लाइक फाइल्स जो है दैट इज़ लॉजिकल रिसोर्सेज और जो प्रिंटर और डीवीडी है दीज आर द फिज़िकल रिसोर्सेज हैं। इफ़ सिस्टम हैज़ टू सीपीयू देन रिसोर्सेज टाइप सीपीयू हैज़ टू इंस्टेंसेस। सिमिलर रिसोर्सेज दे में प्रिंटर में है फाइव इंस्टेंसेस। तो जैसे कि आपके अगर कंप्यूटर या सिस्टम जो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम है अगर उसके अंदर दो सीपीयूज जो हैं वो मौजूद हैं इसका मतलब है कि रिसोर्स जो है जो सीपीयू इज़ ए टाइप ऑफ रिसोर्स और उसके दो इंस्टेंसेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आपके पास पांच प्रिंटर अवेलेबल हैं तो रिसोर्स टाइप जो है वो प्रिंटर है, उसकी टाइप्स जो है वो प्रिंटर है, बट दे आर फाइव इंस्टांसिस ऑफ प्रिंटर आर अवेलेबल इन योर सिस्टम। इफ़ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप द एलोकेशन ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ द टाइप शुड सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट। तो अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो किसी भी रिसोर्स टाइप की रिक्वेस्ट करता है तो उसको जो है कोई भी इंस्टांस उस रिसोर्स टाइप का उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। इट्स मीन कि अगर एक प्रोसेस ने प्रिंटर की रिक्वेस्ट की है तो हमारे पास अगर सिस्टम में तीन प्रिंटर हैं P1, P2, P3 तो इन तीनों में से कोई भी प्रिंटर जो है उस रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए और वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले तो वो रिसोर्स जो हमने प्रिंटर एलोकेट किया था दैट कैन बी एनी वन इंस्टांस। P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है। सो इफ़ इट डज नॉट द इंस्टांस आर नॉट आइडेंटिकल एंड रिसोर्स टाइप क्लासेस हैव नॉट बीन डिफाइंड प्रॉपरली। और अगर ऐसा नहीं होता यानी कि कोई भी इंस्टांस जो है वो अगर फुलफिल नहीं कर पाता उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट तो हम कहेंगे इंस्टांस जो है वो एक जैसे नहीं है, रिसोर्स टाइप की क्लासेस जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुई, यानी कि जो हमने क्लासिफिकेशन की थी रिसोर्स की दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। कैसे, क्या मतलब इसका, इसको अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ सिस्टम हैव
two printers. These two printers may be defined to be in the same resource class if no one cares which printer print which output. However, if one printer is on the ninth floor and the other is in the basement, the people on the ninth floor may not see the both printer as a equivalent, and separate resource classes may need to be defined for each printer. So that is example. अगर इस example में हम देखें तो basically अगर दो printers को आपने classified किया है एक resource type के अंदर, और यूज़र जो है वो दोनों प्रिंटर के ऊपर प्रिंट दे सकते हैं और वो प्रिंट की कमांड देते हैं, तो व्हाटसो एवर जिस प्रिंटर पे मर्जी चाहे उसका प्रिंट आउट आ जाए, इट डजंट केयर, और उससे इससे उसका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है. तो इट्स मीन के दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड हैं, कि दोनों प्रिंटर जो हैं वो जो है उनकी क्लास जो है वो प्रॉपरली डिफाइन है और वो किसी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. बट अगर सिनेरियो ऐसा हो कि एक प्रिंटर जो है आपकी ऑफिस की फ्लोर के नाइन्थ फ्लोर के ऊपर मौजूद है और एक जो है प्रिंटर वो आपकी बेसमेंट में मौजूद है, तो नाइन्थ फ्लोर वाले अगर प्रिंट देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बेसमेंट वाले प्रिंटर के ऊपर प्रिंट नहीं दे सकते. इस तरह की अगर आपने क्लासिफिकेशन की है तो दैट मीन कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो सही नहीं है. सेपरेट इन रिसोर्सेज को सेपरेट क्लासेस रिक्वायर्ड हैं जो कि हर प्रिंटर के लिए डिफाइन होगी इन केस ऑफ नाइन्थ और बेसमेंट फ्लोर में जो है, क्योंकि नाइन्थ फ्लोर वाले की रिक्वायरमेंट जो है वो बेसमेंट वाले प्रिंटर जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा. सो इट्स मीन कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सही नहीं है. तो दैट इज़ मीन द टाइप ऑफ रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर आप एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज की, अ प्रोसेस मस्ट अ रिक्वेस्ट बिफोर यूजिंग इट मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूजिंग इट. यानी कि अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है किसी रिसोर्स की और वो उसको यूज़ करना चाहता है, तो उसको यूज़ करने के बाद दैट मस्ट बी अ रिलीज, वो उस प्रोसेस को उस रिसोर्स को जो है वो रिलीज़ करेगा. फर्स्ट वो रिक्वेस्ट करेगा एंड देन रिलीज़ करेगा. अ प्रोसेस में रिक्वेस्ट एज मैनी रिसोर्सेज एट इट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इट्स डेजिनेटेड टास्क. एक प्रोसेस को अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, अपनी एग्जीक्यूशन कंपनी करने के लिए जितनी उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो उनको कैरी कर सकते हैं, उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो उसको असाइन किए जा सकते हैं ताकि वो अपना डेजिनेटेड टास्क जो है वो कंप्लीट कर सके. सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड मे नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. इन अदर वर्ड अ प्रोसेस कैन नॉट रिक्वेस्ट द थ्री प्रिंटर इफ़ द सिस्टम हैज़ ओनली अ टू. इसका मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो उतने ही रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर सकता है जितने सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं, उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज की वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. सॉफ्ट जाहिर है अगर आपके सिस्टम पे तीन प्रिंटर हैं और वो जो वो तीन की रिक्वेस्ट कर रहा है और सिस्टम के अंदर आपके पास दो प्रिंटर अवेलेबल हैं, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि थ्री जो है रिसोर्सेज जो है उसको एलोकेट किया जाए. सो नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो एक प्रोसेस जो है उतने ही रिसोर्सेज की जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. अंडर द नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन अ प्रोसेस में यूटिलाइज अ रिसोर्स इन ओनली द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं जो प्रोसेस यूटिलाइज करता है वो किस सीक्वेंस के अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है. उसकी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हर प्रोसेस ने फॉलो करना है और उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए रिसोर्सेज को उसने यूटिलाइज करना है. तो वो सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा. द प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स इफ रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली देन द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट वेट अनटिल इट कैन अक्योर द रिसोर्सेज. तो इसका मतलब है कि प्रोसेस फर्स्ट जो है वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा. अगर वो रिक्वेस्ट जो है उसको फौरन वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं है तो उसको वेट करना पड़ेगा. इट If the request cannot be granted immediately, then requesting process must wait. और जब तक के वो उस resources को हासिल नहीं कर लेता या उसको वो resources जो है वो grant नहीं कर दिया जाता, उस time तक जो है उसकी request fulfill नहीं होगी. Second जो है step sequence जो है use है. The process can operate on the resources. अब जो जिस रिसोर्स की उसने रिक्वेस्ट की थी वो रिसोर्स जब उसको
एलोकेट कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है, तो प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ देयर जॉब और टास्क टू कंप्लीट, जिस मकसद के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी रिसोर्स की, वो रिसोर्स उसको जब अवेलेबल है तो वो उसके ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर देगा, उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा ताकि उसका जॉब या टास्क जो है कंप्लीट हो जाए। और लास्ट जो सीक्वेंस है, लास्ट जो स्टेप है रिलीज, जब उसने वो रिसोर्स यूटिलाइज कर लिया है उस प्रोसेस ने, तो उस रिसोर्स को रिलीज कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा ताकि वो रिसोर्स अवेलेबल हो और दूसरे जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस हैं वो उनको जो है यूटिलाइज कर सके। सो दैज आर स्टेप्स जो कि परफॉर्म हुए। द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्स मे बी अ सिस्टम कॉल, एग्जाम्पल आर रिक्वेस्ट एंड रिलीज, रिक्वेस्ट फंक्शन, रिलीज फंक्शन, डिवाइस, ओपन एंड क्लोज फाइल्स, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी सिस्टम कॉल्स। तो बेसिकली जो दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट और थर्ड वन, वो बेसिकली सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल क्या होती हैं ये हम बड़े डिटेल में जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, और इनके बारे में हम डिटेल स्टडी भी कर चुके हैं, कितनी टाइप्स की सिस्टम कॉल्स होती हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो इसमें अगर किसी जो है प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट और रिलीज फंक्शन कॉल करेगा फॉर किसी डिवाइस के लिए, लाइक प्रिंटर, डीवीडी, सीडी वगैरह। और अगर उसने किसी फाइल को ओपन करना है, लॉजिकल रिसोर्स है, तो उसके लिए वो ओपन और क्लोज जो है इस सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, उसकी रिक्वेस्ट करेगा। और अगर मेमोरी से रेलिवेंट जो है उसने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है तो वो एलोकेट मेमोरी होगी और फ्री मेमोरी जो है दैट इज़ द सिस्टम कॉल विच विल बी विच कैन बी ए यूज। सो सिस्टम मॉडल के अंदर द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक टू मेक श्योर दैट प्रोसेस हैज़ रिक्वेस्टेड एंड हैज़ बीन एलोकेटेड द रिसोर्सेज। अ सिस्टम टेबल रिकॉर्ड वेदर ईच रिसोर्स इज फ्री और एलोकेटेड। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक करता है, मेक श्योर करता है कि प्रोसेस ने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट उसकी जनरेट हुई थी प्रोसेस की, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको रिसोर्स जो है वो एलोकेट कर दिया गया है। और इस पर्पज़ के लिए जो है वो सिस्टम एक टेबल जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, जिसके अंदर वो चेक करता है या उसमें वो जो है रिकॉर्ड रखता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि रिसोर्स जो है वो फ्री है या वो एलोकेट की गई है किसी भी प्रोसेस को। सो दैट आर द मैकेनिज़म विच यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ईच रिसोर्स दैट इज़ एलोकेटेड। दैट टेबल also record the process to which it is allocated. तो basically resource जिस process को allocate की जाएगी उसका record भी रखा जाएगा, और वो record कहाँ पर रखा जाएगा, वो record जो है वो system जो table maintain कर रहा है system उसके अंदर उसका record रखेगा कि ये resource किस process को जो है वो allocate की गई थी। If a process requests a resource that is currently allocated to another process, it can be added to the queue of process waiting for this resource. और अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी किसी रिसोर्स की और वो रिसोर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं था, वो रिसोर्स जो है वो कोई दूसरा प्रोसेस जो है उसको यूटिलाइज कर रहा था, तो उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो एक क्यू होती है, वेटिंग क्यू है प्रोसेस की, जहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि वो रिसोर्स जो हैं वो उनको असाइन किए जाएँ जब वो फ्री हो जाएँ। तो बेसिकली वो प्रोसेस को जो रिक्वेस्ट की होगी जिस प्रोसेस ने और रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, उसको उस क्यू में, वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा, और जब रिसोर्स अवेलेबल होगा तो उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। अ सेट ऑफ प्रोसेस इज इन डेड लॉक स्टेट व्हेन एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट कैन बी कॉज ओनली बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। तो बेसिकली डेड लॉक जो है वो सेट ऑफ प्रोसेस हम कहेंगे कि वो डेडलॉक स्टेट में है, जब प्रोसेस जो है वो वेट कर रहे हैं एक इवेंट का, जो कि दूसरे प्रोसेस हैं वो उनको होल्ड किया हुआ है। जैसे कि हमने डेडलॉक की डेफिनेशन में भी देखा था कि बेसिकली जो प्रोसेस हैं वो रिसोर्सेज उनको रिक्वायर्ड है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, बट दैट इज़ हेल्ड बाय अदर प्रोसेस, जो कि दूसरे प्रोसेस ने हेल्ड किया हुआ है। तो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब ही यही बन रहा है कि सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो होल्डिंग द रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर द अदर रिसोर्सेज, जो कि अक्योर्ड बाय सम अदर सेट ऑफ प्रोसेस है। द इवेंट विद विच वी आर मेनली कंसर्न्ड हेयर आर
रिसोर्स एक्विजिशन एंड रिलीज रिलीज़। तो बेसिकली दो इवेंट्स हैं जिनसे हमारा मेनली जो है कंसर्न है, उसमें रिसोर्स एक्विजिशन और रिलीज़ है। द रिसोर्स में भी इधर अ फिज़िकल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, टेप, ड्राइव, मेमोरी, स्पेस एंड सीपीयू साइकिल, और लॉजिकल, फॉर एग्जांपल सीमाफोर, म्यूटेक्स और म्यूटिक्स लॉक्स एंड फाइल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रिसोर्सेज फिज़िकल भी हो सकती हैं, लॉजिकल भी हो सकती हैं, फाइल्स आर लॉजिकल, सीमाफोर्स आर लॉजिकल रिसोर्सेज, और प्रिंटर, टेप, ड्राइव वगैरह, सीपीयू, दैट इज़ योर फिज़िकल रिसोर्सेज, जो कि फिज़िकल रिसोर्सेज हैं जो एक सिस्टम मॉडल के अंदर जो कि अवेलेबल होती हैं। एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं। टू इलस्ट्रेट अ डेडलॉक स्टेट, कंसीडर अ सिस्टम विद 3 सीडी राइटर ड्राइव। सपोज ईच ऑफ 3 प्रोसेस होल्ड 1 ऑफ सीडी राइटर राइट राइट ड्राइव्स राइटेबल ड्राइव्स। इफ ईच प्रोसेस नाउ रिक्वेस्ट एन अदर ड्राइव, द 3 प्रोसेस विल बी इन द डेडलॉक स्टेट, ईच इज वेटिंग फॉर द इवेंट दैट सीडी राइटर इज रिलीज्ड, which can be caused only by one of the other waiting process। और ये जो example है, this example illustrate a deadlock involving the same resource types। एक तरह की resource types है ये, उस ये example उसको explain कर रही है। Suppose यहाँ पर अगर हमारे पास 3 process हैं और तीनों ने जो है वो एक एक CD writer को जो है वो hold किया हुआ for their completing their task। डेडलॉग में आल्सो इन्वॉल्व डिफरेंट रिसोर्स टाइप। यहाँ पे बेसिकली अगर P1 ने एक सीडी राइटर होल्ड किया हुआ है और वो किसी दूसरे सीडी राइटर की भी रिक्वेस्ट करता है, तो इट्स मीन के वो सीडी जो है सीडी राइट वो दूसरा प्रोसेस जो है यूज़ कर रहा है, इट्स मीन दैट विल बी इन द इन वेटिंग स्टेट, जो है वो वेटिंग स्टेज में है कि दूसरा सीडी जो है दूसरा प्रोसेस सीडी राइटर को रिलीज़ करेगा, तो पहला प्रोसेस जो है जिसने उसकी रिक्वेस्ट की है वो उसको असाइन किया जाएगा। सो दैट इज़ जो है इस एग्जांपल के अंदर सेम इंस्टांस हैं, रिसोर्स टाइप्स आर सेम, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ईच इज़ वेटिंग फॉर द इवेंट सीडी राइटर इज रिलीज, विच कैन बी कॉज ओनली बाय वन ऑफ द अदर वेटिंग प्रोसेस, जो कि एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि वो जो है वो रिलीज़ करे तो वो उसको यूज़ करे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट एक उन्होंने होल्ड की हुई है सीडी राइटर एक प्रोसेस ने और वो दूसरी की रिक्वेस्ट कर रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे इसकी ये रिक्वेस्ट कर रहा है। और सपोज P2 जो है उसने इस सीडी ड्राइव की रिक्वेस्ट की हुई है, ऑलरेडी उसने एक होल्ड किया हुआ है, इसी तरह P3 जो है उसने इस सीडी ड्राइव की रिक्वेस्ट की है। सो दे आर सेम रिसोर्स टाइप बट इन डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक जो है वो डिफरेंट रिसोर्स टाइप्स के अंदर भी जो है वो हो सकती है। डेडलॉक में आल्सो इन्वॉल्व डिफरेंट रिसोर्स टाइप, फॉर एग्जांपल कंसीडर अ सिस्टम विद 1 प्रिंटर एंड 1 डीवीडी ड्राइव। सपोज दैट सिस्टम PI इज होल्डिंग अ डीवीडी एंड PJ इज होल्डिंग द प्रिंटर। इफ PI रिक्वेस्ट द प्रिंटर एंड PJ रिक्वेस्ट द डीवीडी, अ डेडलॉक अकर्स। दैट मीन के दो प्रोसेस हैं और उन्होंने जो है PI ने CD जो है वो होल्ड की, DVD होल्ड की हुई है, और PJ ने जो है वो प्रिंटर को होल्ड किया हुआ है, और PI जो है वो रिक्वेस्ट करता है प्रिंटर की, यानी कि इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, और P जो है वो इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है डेडलॉक क्रिएट होगा।